क्या आपको भी अपने 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है? तो बस ये इंतजार खत्म होने वाला है। CBSE ने नोटिफिकेशन जारी कर बता दिया है कि 20 मई के बाद रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अब ये रिजल्ट आपको कहां कैसे मिलेंगे, रिजल्ट आने के बाद आपको हर सब्जेक्ट में जो ग्रेड मिलेगा उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, सभी चीजों को लेकर आपको करेंगे गाइड इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये जान लें कि कैसे और कहां मिलेगा आपका बोर्ड रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद आप digilocker.gov.in या result.gov.in या cbseresults.nic.in और result.cbse.nic पर जा सकते हैं। ये सभी वेबसाइट्स पर आपके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अब कैसे मिलेंगे ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। CBSE रिजल्ट घोषित होने के बाद आप अगर cbseresults.nic.in पर जाएंगे तो पहले आप होम पेज पर जाएंगे। CBSE 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का लिंक वहां पर होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज पर अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, जैसे कि आपका रोल नंबर या आपका डेट ऑफ बर्थ। इतना करते ही मार्कशीट आपके सामने आ जाएगी। आखिरी में आप इसे डाउनलोड जरूर कर लें और अपने फ्यूचर के लिए इसकी हार्ड कॉपी लेना ना भूलें। डाउनलोड किए गए इस स्कोर कार्ड में स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर, अंक और तमाम जानकारियां मौजूद होंगी। एग्जाम पास करने के लिए छात्रों को हर एक सब्जेक्ट में और कुल में कम से कम 33% नंबर्स लाना जरूरी है। बता दें कि CBSE ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को नंबर्स की बजाय इस बार ग्रेड दिए हैं। स्टूडेंट्स को ग्रेड के आधार पर ही अपने नंबर्स का अंदाजा खुद लगाना होता है। अगर आप CBSE ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए CBSE ग्रेडिंग सिस्टम 2024 को समझना अब जरूरी हो गया है। CBSE बोर्ड 12th में अलग अलग मार्क्स ब्रैकेट के लिए अलग अलग ग्रेड दिए जाते हैं। यहाँ पर A1 से लेकर E तक के ग्रेड्स दिए जाते हैं। हर ग्रेड के लिए कुछ ग्रेड पॉइंट्स और परसेंटेज रेंज भी निर्धारित की गई है। ग्रेड A1 जिसका ग्रेड पॉइंट होता है 10, परसेंटेज रेंज होगी 91 से लेकर 100%। ग्रेड A2 अगर मिलता है तो ग्रेड पॉइंट होगा 9 और परसेंटेज रेंज होगा 81-90%। अगर ग्रेड B1 मिलता है तो ग्रेड पॉइंट 8, परसेंटेज रेंज 71-80% होगी। ग्रेड B2 में ग्रेड पॉइंट 7 होगा, परसेंटेज रेंज 61-70% के बीच जाएगी। ग्रेड C1 होगा तो ग्रेड पॉइंट 6 होगा, परसेंटेज रेंज 51-60% जाएगी। C2 होगा तो ग्रेड पॉइंट 5, परसेंटेज रेंज 41-50% तक जाएगी। ग्रेड D1 होगा तो ग्रेड पॉइंट होगा 4, परसेंटेज रेंज होगा 31-40%। ग्रेड D2 होगा तो ग्रेड पॉइंट होगा 3, परसेंटेज रेंज होगा 21-30%। ग्रेड E मिलता है तो ग्रेड पॉइंट 2 होगा, परसेंटेज रेंज आपका जाएगा 0-20%। इस बार भी CBSE 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स को ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट मार्क्स नहीं बताएगा। इस साल CBSE 10th 12th बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के नाम भी नहीं बताएगा, इनका खुलासा नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, परसेंटेज भी जारी नहीं होगा। माना जा रहा है कि इसमें स्टूडेंट्स के अंदर बोर्ड रिजल्ट का जो डर होता है वो कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बता दें पिछले कई सालों से बोर्ड इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं और हमारी ये वीडियो आपको कितना हेल्प करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।